कैसे कॉल सेंटर में काम करने वाला लड़का या फिर कॉल सेंटर चलाने वाला लड़का विराट कोहली से उसकी लग्जरी कार ऑडी R8 खरीद लेता है। अब इस कार के साथ विराट कोहली को काफी बार स्पॉट किया गया। क्रिस गेल को जब छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, तब भी विराट कोहली को इस कार के साथ स्पॉट किया गया। तो काफी पर्सनल कार थी, विराट कोहली ने इसे काफी बार यूज किया गया है। और इस कार एक्चुअली लग्जरी सेक्टर के अंदर एक कार आती है, और वैसे भी इस कार को विराट कोहली ने यूज किया है। यार बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस टाइप की कार को परचेस नहीं कर पाते, तो कॉल सेंटर वाला बंदा कैसे एक विराट कोहली की लग्जरी कार खरीद सकता है। डेफिनेटली दोस्तों दाल में कुछ काला था। आइए इस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग स्टोरी को जान लेते हैं, जहां पर हजारों करोड़ों का स्कैम इन्वॉल्व है, जहां पर एक बंदे ने मुंबई में बैठे बैठे अमेरिकन को लूटा एक बहुत ही स्मॉल सिली टेक्निक से। विराट को आपने कई बार महंगी कार चलाते हुए देखा होगा, उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं, उन्हीं की ऑडी कार को खरीदा एक ठग। सागर ठक्कर ने ये कार अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खरीदी। सागर ठक्कर इस ठग का नाम, और ये गाड़ी देख रहे हैं 500 करोड़ रुपए की ठगी और गर्लफ्रेंड को विराट कोहली की कार के। सागर ठक्कर ने यह ऑडी कार अपनी काली कमाई से खरीदी थी। यह ऑडी कार किसी और की नहीं बल्कि मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कांड हो रहा था, बट इंडियन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। ये बात तो एक्चुअली तब पता चली जब FBI अमेरिका से यहाँ आ गई। तो एक्चुअली कहानी शुरू होती है जहाँ पर नॉर्मल अमेरिकन को काफी सारे ऐसे कॉल आ रहे थे, जहाँ पर उन्हें US के टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे कॉल आ रहे थे, जहाँ पर वो कह रहे थे कि आपका टैक्स ड्यू है, अगर आपने नहीं भरा तो आपको इतना जेल हो सकता है, इतना आपको पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे काफी सारे कॉल्स एंड कंप्लेंट्स बढ़ रहे थे। तो FBI ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये वही बंदा जो इन्हें लूट रहा है, ये कोई अमेरिकन नहीं है, ये एक इंडियन बंदा है, इंडिया के मुंबई के अंदर एक मीरा रोड की बिल्डिंग से इन्हें कॉल कर रहा है और इन्हें लूट रहा है। तो चलिए समझते हैं एक्चुअली ये कॉल किस रिगार्डिंग और किस तरीके से ये जो अमेरिकन को लूट रहे थे। अब देखिए दोस्तों इस बंदे का नाम है सागर ठक्कर। ये बंदा जो मुंबई की मीरा रोड के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर एक कॉल सेंटर चला रहा था, जहां पर इनकी एक स्पेशल 26 जैसी टीम थी। अब ऐसे लोगों को हायर किया जा रहा था जहां पर उन लोगों को भी पता नहीं था कि एक्चुअली किस कॉल सेंटर के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे बंदे को हायर किया जा रहा था जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, तो उनको हायर किया जा रहा था। अब ऑब्वियसली अमेरिकन से बात करनी है तो उन्हें अमेरिकन स्लैंग भी सिखाई जा रही थी, और उन्हें बताया जा रहा था कि वो जो है अमेरिका के US टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे, उनके लिए बैकएंड कॉल सेंटर संभाल रहे, तो उन्हें काफी अमेरिका की स्लैंग सिखाई। तो ये सारी स्लैंग वगैरह सिखाने के बाद ये क्या कर रहे थे कि इंडिया से बैठे बैठे अमेरिकन को रैंडमली कॉल कर रहे थे कुछ डेटा के हिसाब से, और उन्हें जो रैंडमली ये चीजें बता रहे थे कि आपका इतना टैक्स ड्यू है, अगर आपने इतना टैक्स नहीं भरा तो आपको जेल हो सकती है, तो आपको इतना फाइन लग सकता है। तो ऑब्वियसली काफी सारे विक्टिम वैसे भी टैक्स का इवेजन करते हैं, टैक्स को बचाते हैं, टैक्स को छुपाते हैं, ब्लैक मनी को छुपाते हैं, और अमेरिका के अंदर ये सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है। तो काफी सारे विक्टिम जो है डर जाते थे। अब जो विक्टिम डर जाता था उसके साथ ये जो निगोशिएशन वाला गेम खेलते थे, तो उन्हें कहते थे कि अगर आपको बचना है इससे तो हम लोग जो है सेटलमेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। उनके साथ ये सेटलमेंट करके ये जो US डॉलर वहां से इनके अकाउंट के अंदर मंगवाते थे। तो इस तरीके से ये जो इस बड़े स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया। अब अगर एक बंदा विराट कोहली से उसकी ऑडी R8 कार खरीद रहा है, लग्जरी कार, तो ऑब्वियसली स्कैम जो हजार दो तीन हजार करोड़ का भी हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रैंडम फिगर आ रहे, कोई भी एक्चुअल अभी तक फिगर ये बाहर नहीं आया। ऑब्वियसली इस बंदे को ऑलरेडी जेल हो चुकी है। एंड देखिए दोस्तों जो विराट कोहली की कार, जब ये बाद में एक्चुअल जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इनके घर पे जब छापे मारे गए, तब एक्चुअली इस विराट कोहली की कार को पाया गया, फिर उसे सीज कर लिया गया, और अभी ये जो मुंबई के पुलिस कस्टडी के अंदर है। अगर आप इसका हाल अभी देखो तो आप चौंक जाओगे, बिकॉज ये ऐसी अबैंडन पड़ी है, इसका हाल पूरा बेहाल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये विराट कोहली की कार है, ऐसे नॉर्मल कार नहीं, बट फिर भी इसे जो ऐसे सीज करके रखा गया। अब गाइस दो टाइप्स के ओपिनियन इस स्टोरी के ऊपर आते हैं। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि यार इस बंदे ने सही किया, इन गोरों ने हमें काफी सालों तक लूटा, इन्हें ऐसे ही लूटना चाहिए, और वैसे भी इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा करना गलत है, एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इंडिया की इज्जत ये जो है मिट्टी में मिला देते हैं। देखिए दोस्तों आफ्टरऑल है एक स्कैम है, स्कैम करना कभी भी अलाउड नहीं हो सकता है, ये चीज इलीगल है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।